स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोहित मास्टरमाइंड में। तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक फ्लेक्सिबल मोबाइल स्टैंड की, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जो कि टेबल पे वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि एजुकेशनल वीडियो या क्रिएटिविटी जो भी वीडियोस बनाते हैं लाइक, तो उनके लिए एक टूल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्योंकि जो ट्राईपोड होता है उसको कहीं भी लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को लेता है और ये कहीं भी टेबल पे इजीली सेट हो जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है रिकॉर्डिंग वीडियो करने के लिए और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी है, तो इससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं और इसके प्राइस के बारे में जानते हैं और इससे कैसे यूज़ करना है ये भी आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मोहित मास्टरमाइंड। तो ये है हमारा अमेजोन से आया हुआ प्रोडक्ट जिसके अंदर हमारा फ्लेक्सिबल स्टैंड है मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो जल्दी से फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। तो ये मेरा बिल, ये 499 का पड़ा, लगभग 500 का मुझे ये पड़ चुका है, ठीक है। तो इसके प्राइस आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये रे 499, ठीक है, 499 का ही मुझे मिला है टोटल। कुछ इस तरीके की आती है इसकी पैकिंग। तो ये प्रिंटरॉन का हमारा स्टैंड है, ये फ्लेक्सिबल है पूरी तरीके से, मैं आपको ये खोल कर दिखा देता हूँ। तो काफ़ी हैवी है ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी लग रही है। ये ब्लैक कलर में मैंने इसको परचेस किया है, आप इसको चाहे तो दूसरे कलर में ही मंगा सकते हैं, इसमें दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है वाइट कलर में। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वायर है और काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसमें कोई स्टेबलाइजेशन की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं तो शेक ज़्यादा होता है, तो हल्का फुल्का तो शेक इसमें होगा पर इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वायर काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो इसमें कंपनी का नाम भी मेंशन है, कंपनी का मैंने प्रोडक्ट ही मंगाया है, प्रिंटरॉन कंपनी का। और इसमें आपको एक ये मोबाइल होल्डर मिलता है, तो इसमें आप आई थिंक एंड्रॉयड मोबाइल ही आप इसमें स्टेबल कर सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल ही आप इसमें लगा सकते हैं, इसमें टैबलेट वगैरह नहीं लगा पाएंगे, इसका माउथ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें आप इसमें एंड्रॉयड मोबाइल ही लगा सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको असेंबल करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको पहले इसका ये खोलना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आपको इसमें ये लगाना है। उससे पहले ये डाल देते इसमें, इसको काफ़ी अच्छे से टाइट कर देना ताकि ये लूज़ ना रहे। तो ये काफ़ी अच्छे से टाइट हो चुका है, आप इसको किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं, 360 एंगल में आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और आपको ये टेबल पर किस तरीके से लगाना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसको आप इजीली ऊपर इसको घुमाएंगे और ये इस तरीके से लगा सकते हैं आप किसी भी टेबल पे। इसकी आप हाइट जितनी मर्जी आप इसको विड्थ के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, अगर आपकी टेबल अगर इसका साइज अगर ज़्यादा है, इसका विड्थ अगर ज़्यादा है तो उसमें भी आप इसको सेट कर सकते हैं, कम है तो भी आप इसको किसी भी टेबल में लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका माउथ खुलता है। आपको खोल कर दिखा देता हूँ, एक काफ़ी ज़्यादा माउथ उसका खुलता है, तो काफ़ी इजीली आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको लगाने में। मैं आपको इसको फटाफट से लगा के दिखा देता हूँ और इसको आपको मोबाइल भी आपको इसमें असेंबल करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसको लगाना है। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें ये मोबाइल लगा सकते हो। इस तरीके से काफ़ी इजीली मोबाइल इसमें गिरने वाला भी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है, ठीक है। तो मोबाइल आपका इसमें गिर जाए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ भी है। अभी आपको इसके टेबल में भी लगा के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, इस तरीके से लगाने के बाद आप इसको टाइट कर देना। तो ये हो चुका है हमारा टाइट, तो आप इसको आराम से आप अपनी स्टडी वीडियो या फिर आप जो भी एजुकेशन वीडियो बनाते हो आप उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसकी हेल्प ले सकते हो। ट्राईपोड ईजिली कहीं भी सेट नहीं होता है, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो किसी भी तरीके से। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं, आपको मैं देखो दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्राईपोड को लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है इस तरीके से कि सेट नहीं होता है, आप इसको किसी एंगल में लगा सकते हैं टेबल में
और आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी एंगल में, इस तरीके से काफ़ी इजी तरीके से रोटेट हो जाता है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, काफ़ी बेस्ट टूल है। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाई है कि ये स्टैंड कैसे यूज़ करना है, साथ ही भी बताया आपको कि किस तरीके से आप टेबल पे इसको इजी तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने इसको मोबाइल को लगा के इसमें अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टूल है। अगर आपको ये परचेज करना हो तो मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बता देता हूँ कि ये मुझे ऑनलाइन 499 का पड़ा है, लगभग 500 रुपये का। अगर आपके पास ये ऑफलाइन अवेलेबल हो तो आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो, अगर ऑफलाइन ना हो तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और ये आपको स्टैंड कैसा लगा ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।